पानीपत के समालखा विधानसभा में 10 साल में विकास के कई ऐसे बड़े काम नहीं किए गए जिसे गिनाया जा सके। यही वजह है कि विधानसभा चुनाव नजदीक आते देख कांग्रेस नेता अब सरकार पर सवाल खड़े करने लगे हैं। गौरतलब है कि समालखा में 10 साल में पहले निर्दलीय विधायक बना और फिर विपक्ष का विधायक, जिस वजह से इस हलके की अनदेखी हुई। ये हालात बयां कर रहे हैं कि इलाके के वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोहक्कम सिंह छौकर। में चार विधानसभा है, अभी दो दिन पहले पानीपत ग्रामीण में एक बड़े नेता के दल बदल के बाद परिस्थितियां और समीकरण बदल रहे हैं, और दूसरी सीट समालखा है जो हाईवे पर है, दिल्ली रोड पर समालखा हल्का। समालखा में भी दिक्कत ये है कि ये पिछले दो विधायक एक निर्दलीय था, अब जो बना हुआ है सरकार बीजेपी की आ गई, तो समस्याएं बड़ी हुई हैं। हमारे साथ समालखा हल्के के कांग्रेस नेता मोहक्कम छौकर हैं, तो आपको सीनियर नेता कहा जा सकता है कांग्रेस का, क्योंकि लगातार 15 साल से बुरा वक्त तो अच्छा वक्त तो कांग्रेस में रहे हैं आप। बिल्कुल, ये तो है आप वाली बात है कि आजकल तो दो दो साल में लोग पार्टी बदलते हैं, अवसरवादी आदमी है। हमारी तो ये है कि मैं तो जब से कांग्रेस, मैंने 2009 में ज्वाइन की थी, उस टाइम से कांग्रेस में हूँ और लगातार कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। हर कांग्रेस के हर एक्टिविटीज़ में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और कांग्रेस में ही रहेंगे। ये इस तरीके की हमारी कोई सोच नहीं है कि रोज़ रोज़ कांग्रेस सेकुलर सोच की पार्टी है, सभी जाति को, सभी धर्म को, सभी प्रकार के अमीर को, गरीब को, व्यापारी को, छोटे वर्ग के लोगों को, सभी को साथ लेकर के चलने वाली अगर कोई पार्टी है तो हरियाणा में और देश में भी मैं कांग्रेस पार्टी को मानता हूँ। दूसरी, अभी आपका कोई साथी बता रहा था कि कोई समस्या लेके आए हैं, हालांकि अभी विधायक तो नहीं हो आप, विधायक की लाइन में तो एमएलए इन वेटिंग तो हो, लेकिन समस्या आपको अपनी बता रहे हैं कि काम नहीं हो रहे आपके हल्के में। ऐसा एक तो वजह यही है कि वैसे तो पूरे प्रदेश के अंदर ही खट्टर सरकार जैसे रही 9.5 साल तक, काम तो उन जो सत्ता वाले उनके भी नहीं हो रहे, हम तो विपक्ष वाले, हमारे तो मतलब ही नहीं। लोग बाग लोगों की समस्याएं तो बहुत है, आते हैं लोग जो दुखी आदमी आते हैं, और जितनी हमारी क्षमता उस हिसाब से हम काम भी कराते हैं, लेकिन कुल मिला के ये है कि यहाँ पे ना जो प्रशासनिक जो इंटरफेरेंस है सरकार के अंदर वो ज़्यादा है, नेताओं की, ना सरकार वालों की चलती है ना विपक्ष वालों की चलती है, हम तो वैसे विपक्ष में बैठे हैं। 2014 में निर्दलीय विधायक बने थे रविंद्र बचरोली, 19 से 24 तक अब कांग्रेस के बन गए, लेकिन सरकार बीजेपी की है। ऐसा ना तो जो निर्दलीय था वो भी कोई काम नहीं करा सका, हालांकि उसने समर्थन दे रखा था, और अब जो मौके का विधायक है ये भी विपक्ष का विधायक है। काम तो पिछले 10 साल से लगभग ये कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे कोई किसी तरीके का कोई संस्थान, इंस्टीट्यूशन, कोई जो भी लोगों की समस्या है, चाहे वो किसान की है, मजदूर की है, हमारे आड़ती भाइयों के पीछे बहुत बड़ी समस्या, आड़तियों की पोर्टल की समस्या है, किसानों की बड़ी समस्या है। कुल मिला के कहना है कि पिछले 10 साल से तो संभाल का क्षेत्र तो बहुत बुरी तरीके से पिछड़ रहे हैं, और एक संभाल का कि मेन जो प्रॉब्लम है, ऐसा मानता हूँ कि हमारे जो है ना ये जमुना के बेल्ट के साथ साथ जो है ना एक शामलात भूमि आती है, उसमें सरकार जो है ना किसानों के खिलाफ उसको करने जा रही है, जो कि बहुत दिनों से उसके उस पर वे कास्त भी कर रहे हैं, उसके वे हकदार भी हैं, तो इस प्रकार के जो जनविरोधी फैसले हैं वो सरकार लेने का इससे काम कर रही है, और इस सिर्फ किसानों की बात नहीं बल्कि आप मजदूरों की महंगाई की बात ले लो, हाँ जी, और मुलाजिमों की बात ले लो, समाज का हर वर्ग जो है ना हर रोज़ हड़ताल पर, जलसे, जुलूस, इस तरीके का हर व्यक्ति परेशान है। मैं मानता हूँ कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जो बीजेपी की टिकट की लाइन में लगे हुए हैं बहुत सारे नेता, समालखा में भी कमी नहीं है, अगर वो चाहते तो, चूंकि सरकार तो उन्हीं की है, हमने देखा है जो लोग सोते हैं भी चलो विपक्ष का विधायक है, लेकिन जो सत्ता पक्ष से जुड़े नेता है विकास तो वो भी करवा सकते थे, एक मिसाल पेश कर सकते थे कि सरकार हमारी है, हम विधायक नहीं है तब भी आपके काम करवा रहे हैं, ये मौका इनके पास था जो अब लाइन में लगे हुए टिकट की। ऐसा काम कराने के लिए भी ना आदमी को इच्छा शक्ति की जरूरत है, इन लोगों का ना तो देह कोई काम कराने का है, और हकीकत तो यह है कि आप पूरा ये देख लो सिनेरियो, पूरे देश का भी देख लो, इन्होंने धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, अब भी जिस तरीके के जो है ना ये प्रदेश के अंदर भी जिस तरीके के संगठन के लोगों को बना रहे हैं, उसके पीछे क्या संदेश देना चाहते हैं, किसी जाति विशेष के खिलाफ लगा लो या जातिवाद की राजनीति लगा लो, उस तरीके की राजनीति करते हैं, विकास के अंदर मैं नहीं समझता इनका कोई किसी तरीके का विश्वास है या ये करना चाहते हैं, तो ये घटिया किस्म की राजनीति करते हैं। और विकास अब जब 10 साल से ये सत्ता के अंदर है तो इन्होंने चुनाव तो अपनी रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से अपनी रिपोर्ट रखनी चाहिए, हमें 10 साल के अंदर क्या काम किसान के लिए किया, क्या मजदूर के लिए किया, क्या व्यापारी के लिए, रिपोर्ट इनके पास कोई नहीं है,
रिपोर्ट इनकी जाति की है, धर्म की है, क्षेत्रवाद की है, इस तरीके की रिपोर्ट है इनके पास। कोई कहने के लिए कोई इनके नहीं, तो सत्ता हमेशा ये कहती है देखो भाई हम 10 साल से या 9 साल से, जैसे 9.5 साल से राज में, हमने ये काम के, इस आधार पर हम वोट मांगते हैं। तो पार्टी के सामने भी एक संकट ये है कि अब चुनाव किसको लड़वाए, धर्म सिंह छोकर का क्या होगा पता नहीं, वो तो कानून की बात है, कोर्ट की बात है। तो पार्टी के लिए भी एक चिंता की बात है कि कोई मजबूत विकल्प चाहिए संभालका के लिए। ऐसा कुछ नहीं, और हमेशा का ये जो संभालका का जो हलका है ना, इसका तासीर हमेशा जो है ना कांग्रेस ही रहा है, मैक्सिमम जो है यहाँ से कांग्रेस ही जीते हैं। और जैसे आप देख रहे हैं पिछले 10 साल से यहाँ पे जो है ना बीजेपी, जब पूरे प्रदेश में राज बीजेपी का था तो भी यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट आ रहा। मैं नहीं मानता कि ये सीट जो है ना आगे भी जो है ना कांग्रेस को मिलेगी, और बड़े अच्छे बहुमत से मिलेगी। अगर कांग्रेस का विधायक था, विपक्ष होने के नाते ज्यादा काम नहीं हो पाए, तो बीजेपी नेताओं के पास भी एक मौका था कि वो संभालका में काम करवाते और ये बताते कि देखो हमने आपके लिए किया है, अब हमें आपका वोट चाहिए। लिहाजा अब बहुत कम रह गए और फैसला क्या होता है, संभालका का अगला विधायक कौन बनता है, ये अभी समय की बात है। सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज़, पानीपत, बी रोड।